सो हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे एंड सेफ होंगे। सो गाइज, आज हम लोग काफ़ी दिनों बाद एक बार फिर से आ चुके हैं हमारे गेम कार सिमुलेटर के अंदर। एंड भाई, लिटरली मेरे को नहीं पता कि मैं कितने दिनों बाद खेल रहा हूँ। आई थिंक मेरे को लग रहा है कि भाई मैं 2 से 2.5 महीने बाद खेल रहा हूँ। तुम लोग देख रहे हो भाई, ऑफिस हमारा काफ़ी गंदा हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग ना सफाई मारते हैं, बाद में हम लोग ऑफिस करेंगे। और भाई हमारी देख रहे हो यहाँ पे मस्टैंग खड़ी थी लास्ट टाइम पे, हमने सोचा था इसको बेचेंगे और फिर हम लोग सुप्रा खरीदेंगे यहाँ से। बट फिर हमको पता ही नहीं कि हमने ये गेम क्यों बंद कर दिया था, किस रीज़न से मैंने इसको बंद कर दिया था। हाँ, मेरे एग्ज़ाम्स आ गए थे तो इसीलिए मैंने इसको, सभी गेम्स को मैंने बंद कर दिए थे। खैर, फिलहाल आज हम लोग ऑफिस खोलते हैं और मेरे को ये भी नहीं पता कि भाई मेरे पास कार्स कितनी हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, हमारी कार्स पता करते हैं भाई कि मेरे पास कार कितनी है। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, तो मेरे पास 3 से 5 कार है और लॉर्ड मस्टैंग मतलब हम लोगों ने कर रखी है अभी सेल के ऊपर। होंडा एंड ऑडी हमारे पास Q7 है, ऑडी TT है, 2018 मॉडल भी है, और एक पता नहीं है कौन सा 1947 का मॉडल है। ये पता नहीं कौन सी जगह है भाई, मेरे को नहीं पता इस कार का कुछ। बट हाँ, बट क्या हम लोग इनको टॉक करवा सकते हैं? खैर ठीक है, फिलहाल तो हमारे पास एक तो ओके ग्राहक आया भाई। मैंने कितने के अंदर मैंने करी थी? ओके, मैंने इसका कितना लगा रखा है? $1,00,000 लगा रखा है। यार ऐसा मत करो यार, तुम लोग 46,000 लगा रहे हो भाई। मैंने इसका $1,00,000 और मैंने इसको 26,000, मैंने इसके अंदर कितने का खर्चा किया टोटल? ठीक है, मैंने $30,000 तक का मैंने इसमें खर्चा किया, तो ये 46 तक दे रही है। तो चलो यार ले जा। तो ओके गाइज, अभी वो हमारी कार ले गई है और साथ में भैया नाइट हो गई, लोग कार के जाते ही नाइट हो गई। तो फिलहाल फटाफट अपनी जो ओडी है इसके अंदर हम लोग एंट्री मारते हैं, स्टार्ट मारते हैं। रहता भाई तू, तेरे को और कुछ काम नहीं है क्या? भे बाहर निकल। ओके, मेरा ऑफिस ओपन है और यहाँ पे भाई, ओ हेलो सालो, तुम लोग मेरी गाड़ी बेच के तो नहीं खा गए ना? अबे मेरी गाड़ी यहाँ पर भी नहीं है तो फिर है कहाँ? टैबलेट निकालते हैं, अभी चेक करते हैं हमारे टैबलेट्स के अंदर कि भाई हमारी कार्स है कहाँ। ओडी TT किधर है भैया? रुको यार, मैं टो करवा सकता हूँ बट मैं भूल गया हूँ कि टो होती कैसे है गाड़ियाँ। यहाँ से करवा सकता हूँ क्या मैं? तो नहीं करवा सकता यहाँ से। अबे गधों, इनको अनलॉक करके मैं करूँगा क्या? मेरे को गाड़ी टो तो करवाऊँ पहले। तो हम लोग एक बार यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे जाके देखते हैं कि भाई वहाँ पे ना एक गाड़ी खड़ी थी, एक ओडी थी, बट वो कहाँ है आई डोंट नो। चलो, ओए होए ये फंवारा है। ओके, गाड़ी धोने वाला चढ़ा ले, पिलाऊंगा इस बेवड़े को आज जिसने गाड़ी खो दी। ओ हमारी गाड़ियाँ यहाँ पर है लिटरली भाई, मुझे लग रहा है इनका कुछ ना कुछ नुकसान तो हो गया होगा। देखो ये पूरी की पूरी बोतल खींच गया साला, मतलब लिटरली। अबे देखना, धरती गोल घूमेगी, घूमने लग गई धरती, चढ़ गई। ओके गाइज, हमें हमारी गाड़ी, ओके तो हमारी गाड़ी यहाँ पर, तुम लोग देख रहे हो भाई ये गाड़ियाँ यहाँ पर है, तो इनको हम लोग करवाते हैं टो। तो भी जा, क्योंकि इसने तो भाई चढ़ा रखी है, इसको भी हम लोग करवाते हैं टो और हमारे भाई सीधा गैरेज में भेजते हैं इसको भाई। बस मतलब ये टो करके हमारे गैरेज में नहीं गई है, ये जाके खड़ी हो जाएगी शांति से जो हमारा ऑफिस है वहाँ पर। फिर मेरे को इसको गैरेज में ही भेजना चाहिए था बट ठीक है। फिलहाल मेरे पास $2,57,000 है भाई। इसकी हालत देखो भाई, इसने एक बोतल में भाई पूरी दुनिया गोल गोल घुमा दी है इसने। तो ओके गाइस, अभी हो चुकी है सुबह और अभी हम लोग चलने वाले हैं। इसको सबसे पहले ना इस पर हमें बैठना नहीं है भाई, तू नीचे उतर जा। इसको डायरेक्टली मैं पहुँचाऊँगा हमारे गैरेज पर, क्योंकि भाई इसको सुधारना है और भाई इसको भी मैं बेचने वाला हूँ। तो अभी हम लोग ना बस पकड़ के सीधा जाएंगे यहाँ से हमारे जो भी ऑफिस वगैरह है वहाँ, उस पर पहले बाद में जाएंगे। तो फिलहाल बार स्टेशन में अभी कंटेनर पे तो मैं हूँ ही, तो कार मार्केट पे हम लोग जाएंगे नहीं, हम लोग जाएंगे नेबरहुड भी नहीं जाएंगे, गैस स्टेशन जाएंगे। ठीक है, वैसे ये स्टार बार क्या है ये, मेरे को थोड़ा एक अलग ही लगा। तो चलो एक बार यहाँ चल के देख के आते हैं कि क्या है। तो ओके ठीक है, प्राइस हम लोग मारते हैं ₹20, मतलब $20 है यार, रुपये नहीं है। बट ठीक है, मैंने ये आज से पहले कभी देखा तो नहीं है, बट क्या है ये भाई, बार स्टार और स्टार क्या है? अच्छा पीछे ना गैम्बलिंग वगैरह होती है इधर, तो चलो बैठते हैं। ओके, तो यहाँ पे लोग कार्ड्स खेल रहे हैं,
भाई मेरे को खेलना बिल्कुल नहीं आता सच बताऊँ तो। हार गया मैं, चला जाए यहाँ से, नहीं खेलना मेरे को भाई। 5,000 का फटका खा के आ गया मैं, $5,000 भाई हो गया भाई आज का। क्या ही खाता खोला है ना मैंने, इससे अच्छा उस भिखारी को देता तो साला आज अमीर होता वो। बट ठीक है भाई, मेरे को नहीं जाना, मेरे को चलना है गैस स्टेशन। 20 रुपये का टिकट काटो भाई, मेरे को गैस स्टेशन लेके जाओ। हमारी गाड़ियाँ वहाँ पे वेट कर रही है, उनके अंदर जो भी रिपेयरिंग सिस्टम है सब कुछ हम लोग हटाएंगे। अबे किधर कर रही है तू? ओके यार ये थोड़ा दूर पड़ जाता है, बट हमें गैस स्टेशन उतरना पड़ेगा, इसके सामने तो कोई स्टॉप है भी नहीं। ठीक है हम लोग आ जाएंगे थोड़ा पैरों को। यार वो सामने क्या है, कुछ चमक रहा था वो, देखो कुछ चमक रहा है ब्लू ब्लू, शायद वहाँ पे अपनी कार है कोई, मुझे ऐसा फील हो रहा है। चल भाई बता क्या दिक्कत है भाई तेरे इसमें, कर यार तू रिपेयर कर इसको भाई, डेंट वगैरह सब कुछ है। एक तो गाड़ियाँ ये लोग ना रिपेयर कर देंगे तो फिर मेरे को लेके भी जानी पड़ेगी, इनको वॉश वगैरह भी करवाना पड़ेगा। अगर ठीक है वॉश भी करवा लूँगा मैं, इनको अच्छे खासे रेट में बेचने वाला हूँ मैं तो खास करके। बाकी बहुत दूर से चमक ही रहा था, यहाँ से हम लोग स्पेयर पार्ट्स उठा सकते हो और इसको ना दे सकते हो, तुमको पता है इससे तुमको ये पैसा देगा, ऐसे तुम लोग उठा सकते हो। भाई कितना सारा स्पेयर पार्ट्स पड़ा इधर, मतलब कबाड़ी वाले काम कर रहे हैं अभी हम लोग, देख रहे हो। वैसे यार मेरे पास इतना पैसा है तो मैं कबाड़ी वाला काम क्यों कर रहा हूँ भाई, अपना स्टेटस क्यों। चल भाई यहाँ से हम लोग ये वाली कार खरीदेंगे साइड से, अगर ये रिपेयर हो सकती है तो ट्राई करेंगे, या फिर इसको तोड़ने का है तोड़ देंगे इसको। हाँ भाई बोतल मत उठाया कर तू, चलो इसको तोड़ते हम लोग। ओके तो यहाँ से ना मैं अभी इसको ऐसे तोड़ झाड़ के यहाँ से ये सब कुछ जितने भी ये जो स्पेयर पार्ट्स है ना ये सब कलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे कि मैं कलेक्ट कर रहा हूँ अभी, मतलब जिसका ये है ना उसी को मैं स्पेयर पार्ट्स तोड़ थाड़ के उसी को चिपका दूँगा मैं, समझ रहे हो। तो अभी हम लोग और तोड़ते हैं, देखते हैं हमें कितना रुपये एक गाड़ी देती है, ऐसे तोड़ने को तो बहुत है। ओके तो फाइनली हमने ये कार है ना तोड़ दी है और इसको हमने ज़मीन में घुसा दिए तोड़ थाड़ के। अब बोल रहा भाई तू कल आना, आज का तेरा काम ख़त्म, यही ले ले भाई तू, और उठा उठा ले यहाँ से सारे स्पेयर देगा। मैं अभी थोड़ी देर पहले अमीर बन रहा था, अभी यही स्पेयर पार्ट उठा रहा हूँ, मुझे लगा मैं पूरी गाड़ी खरीदूंगा और इस स्पेयर को एक न्यू गाड़ी में कन्वर्ट करके अच्छे खासे पैसे में बेचूंगा मैं इसको, ऐसा सोचा था मैं। अभी चलते इस बुढ़ाऊ के पास और $560 इसने मेरे को दिए है भाई। वैसे मैं 5,000 का फटका खा के आया हूँ तुम्हारा भाई, मतलब छोटा मोटा आदमी थोड़ी। ओके ये जंक्शन लगा हुआ है क्या आज? ओहो स्टार्ट भी हो गया, जल्दी चल जल्दी चल, लोग बाग बोली लगाने लग गए। देखते हैं आज हम लोग कुछ 1-2-3-4 कार और ख़रीद लेते हैं भाई, टिकट दे दे भाई, चल जल्दी चल और बैठाओ यार मेरे को। ओके तो 5,000 से स्टार्ट हुई थी इसकी बैठ और अभी भाई 8 तक पहुंच गई है भाई ये कार। ठीक है हम लोग देखेंगे अगर ख़रीद पाएंगे, 2013 मॉडल है इसका और कुछ ही किलोमीटर चली है तो ठीक है। हमने यहाँ से 2 कार बाई करी है आज, ठीक है, और अभी मेरे पास $1,71,000 है। एक तो ये है, ये गाड़ी मैं रखने वाला हूँ क्योंकि ये गाड़ी बहुत कम आवाज़ करती है, बाकी ये गाड़ियाँ बहुत आवाज़ करती है, तो वैसे रखने तो मैं दोनों ही, बट ना आवाज़ ये गाड़ी बहुत कम करती है। देखो मतलब साइलेंट चलती है तो हम लोग कहीं पर जाते जाते हम लोग ना आराम से बात भी कर सकते हैं। वैसे ना ये गाड़ी बहुत वो भी है, फास्ट भी है, ऐसा नहीं है, देख रहे हो स्पीड देख रहे हो तुम लोग, देख रहे हो ड्रिफ्ट, इसीलिए मेरे को ये गाड़ी साइलेंट अच्छी लगती है। तुम लोग मेरे को बोलो कि भाई आवाज़ करे, बट देखो यार मेरे को पसंद है कि वो गाड़ी भूम भूम करती है, वो रियल लाइफ में पसंद होती है, गेम्स में नहीं, क्योंकि गेम्स में भी हम लोग बात करते हैं वो दिक्कत करती है, इसीलिए गेम्स में हम लोग नहीं कर सकते। खैर फिलहाल भाई ठीक है गाड़ी ओके है तो ठीक है भाई, बैठा हूँ मैं गाड़ी में। अभी इस गाड़ी को तुम लोग देखना बहुत आवाज़ कर रही है, पता है मेरे को जब हम लोग, मेरे को सही बताऊँ तो हेडफोन लगा के ना कभी कुछ सुनोगे ना इसकी वॉइस तुम चिल्ला जाओगे, तुम बोलोगे क्या है भाई इतना गंदा साउंड। एक रियल में सुनने में जो मज़ा आता है ना वो मेरे को भी बहुत पसंद है, बट गेम में साइलेंट गाड़ी मेरे को बहुत पसंद है सच बताओ तो, ज़्यादा आवाज़ नहीं। और ये भी हम लोग बाहर निकालते हैं फिलहाल, मेरे को ना इन गाड़ी को टो करवाना चाहिए। खैर यार मैं टो क्या ही करवाऊँ, एक सेकेंड वेट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जाते हैं हमारी गैरेज पर, इन गाड़ियों को यही रहने देते हैं, इसी गाड़ी में हम लोग बैठ के फटाफट जाएंगे। भाई इस गेम की ना एक आदत बहुत ख़राब है और वो ये है कि भाई ये गेम ना मतलब एड बहुत देता है यार, मतलब लिटरली एड इसके इतने ज़्यादा होते हैं ना। अबे रुक भी जा, देख रहे हो गाड़ी कितनी साइलेंट चल रही है भाई, लिटरली मतलब ऐसे चलती है ना गाड़ी तो मस्त मज़े आते हैं। हैंड ब्रेक में खींच देता हूँ इसको,
चलो अभी बाहर आते हैं भाई। तो स्टार्ट है कि ऑफ है, मेरे को इस गाड़ी का पता और नहीं चल रहा। यहाँ से कचरा उठाते हैं एक बार, इसमें डालते हैं। देखो इन गाड़ियों को मेरे को अभी फ़िलहाल गैरेज के अंदर करवाना होगा। इस गाड़ी को एंटर नहीं मारना, खैर मस्टैंग है बट बाहर निकलना यार, नो मस्टैंग है भाई। इस गाड़ी को ना मेरे को भी फटाफट गैरेज में भेजना पड़ेगा, इसको भी मैं गैरेज में भेज देता हूँ। ओके फ़िलहाल अभी ना मेरे को जाना है एक बार गैरेज में, अपन अपनी इसी गाड़ी को, अपन क्यों ना इसी गाड़ी को परमानेंट बना दें, क्या बोलते हो गाइस? खैर ठीक है, फ़िलहाल फटाफट चलते हैं हमारे घर में, हम लोग जाके सोएंगे। और ये देखो भाई हमारी जो गाड़ी यहाँ से टूटी थी, जो डैन ठोकी थी मैंने, हो गया कर्म कांड। चलो फटाफट चलते हैं घर में। और आज मैंने बहुत पैसा खर्च कर दिया यार, ये गाड़ी जगह की जगह कैसे घूम रही है, क्या स्मूथ चल रही है भाई। सबसे पहले हम लोग चलेंगे गाइस गैरेज में, और भाई पता नहीं ये गेम वाले क्या क्या कर रहे हैं, बट फिर भी साले ना मतलब इतना सब कुछ अच्छा अपग्रेड लाने के बाद भी ना मतलब पूरे गेम के बजा के रख दिए इन लोगों ने। भाई गाड़ी चल भी रही है कि ये नहीं, मेरे को तो ये भी नहीं पता चल रहा गाड़ी क्या स्मूथ चल रही है भाई, सच में मेरे को पता भी नहीं चल रहा है कि ये गाड़ी चल भी रही है लिटरली। भाई 100-150 की स्पीड में आई है, और ये गाड़ियाँ हमारी अभी क्या रे बड़ो रेडी हुई कि नहीं, तुम चलो अभी रेडी करोगे, कर फटाफट कर। हाँ बोल भाई, गाड़ी ठीक है तो छोड़ फिर, क्यों माथा पच्ची करनी, टो करो गाड़ी को, ले जा भाई यहाँ से, गाड़ी ठीक ही है तो। चल यार तू फटाफट एक काम कर मेरी इसको ठीक कर, ये ठुक गई 3-4 जगह, इसको भी ठीक करवा लेता हूँ मैं फटाफट, ठुक गई बेचारी अच्छी खासी गाड़ी, तो इसको ठीक करो जब तक वो ठीक हो ही चुकी है। एक वो साला बड़वा फिर से ले आया कोई गाड़ी तोड़ फोड़ करवाने, मेरे को भंगार वाला समझ रहा है साला, गरीब आदमी, चलो कुछ काम दे देता हूँ। पता नहीं है भाई, हम लोग घर खरीदने की सोच रहा हूँ मैं, तुम लोगों को ठग रहा हूँ मैं। अबे रुक जा, कहाँ जा रही है मेरी लेला भाई, कर दे तो। ओके अभी यहाँ पे फिर से हम लोग इसको करवाते हैं, साला इतना एड देता है ना भाई, मैं क्या बोलूँ। बम्पर मैंने तोड़ दिया और ऊपर से भाई नीचे का टैंक को तोड़ दिया, जो भी नीचे आता है। हाँ भाई ठीक है, गाड़ी क्या बोलती पब्लिक? ठीक है भाई, इसने बोल दिया, पब्लिक कुछ नहीं बोलती है, पब्लिक बोलती है भैया गाड़ी दो हमको, गाड़ी बिल्कुल ठीक बा। अरे यार आगे पीछे हो जा, मेरे को नहीं समझ आ रहा कि मेरे में कुछ। अरे वाह क्या साउंड है भाई, नीचे उतार मेरे को। ए बड़वे इस पर पेंट मार, बिल्कुल वाइट मस्त लग रही है ये, वही ना बात चलने का लिहाज से हो गई। फिलहाल वाइट कलर की गाड़ी, अबे इनकी गिलास धकेली थे क्या तुमने साले ने गिलास भी पेंट कर दिए गया यार, खैर छोड़ो पता नहीं क्या दिक्कत है भाई इसने, भाई इसके क्या ही बोलूँ मैं। चलो यार अपनी गाड़ी रिपेयर हो चुकी है, फिलहाल मैं इसके ऊपर बैठ के जाता हूँ, लेकिन दल्लों को और कुछ तो काम है नहीं। क्यों ना मैं सोच रहा हूँ यार इसके भी कलर में चेंज करवा ही लूँ, क्योंकि अच्छा कलर नहीं लग रहा है ये मेरे को। क्या शाइन मार रही है भाई, सबकी आंखें फोड़ देगी अभी ये। ओके वैसे यार इतना कूड़ा कचरा कौन करके जाता है, मेरे को तो समझ नहीं आता। ओके चलो बाहर निकलते हैं हमारी गाड़ी से, लग रहा हूँ ना बिल्कुल सेट आए हैं बिल्कुल। इन गाड़ियों को भी अंदर खड़ी करते हैं, खेरे ऑफिस क्लोज कर, टेको ऐसे कर दे भाई, उल्टा कर दे बस, बट बाद में पहले कस्टमर से बात करते हैं भैया। चलो $8,000 में हमने बात की, कितने लगा रहे हैं भग जाए ऐसे 4,000 वाले, तो बोलो जल्दी बोलो 8,000 कितने लगाएंगे जल्दी बोलो। चल ठीक है यार तेरे लिए मैं 6 कर देता हूँ, 6,000 तो नॉर्मल है भाई। चल निकल जाए ऐसे भग जाए ऐसे। ओहो ये दीदी इधर क्या कर रही है पिंक की साड़ी में, देखो भाई तुम बताओ मेरे को 34। अबे ओ निकल, ओ बिजनेसमैन आया, बिजनेसमैन ओडी लेगा क्या ये? अरे ये, अरे यार जगह नहीं है भाई बिल्कुल भी भाई। दीदी तुम बात करो, तुम बहुत बढ़िया खराब हो, कितने में बेच रही हो दीदी? वेट करो ये एक और कस्टमर है ना अपना। हाँ जी हाँ जी बोलो यार, तुम ना 13 में ले जाओ यार, इससे सस्ता तो मैं कुछ नहीं करूँगा। तो गाइस फाइनली हमने वो एक गाड़ी तो विदा कर दी है भाई, बहुत सस्ती ले गए लोग,
चाचा मैं आया इधर 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 आई एम कमिंग। यस टेल मी कितने में। चल बात वेट कर थोड़ा, आंटी आंटी से बात करेंगे, शाम हो गई ना खाना बनाना होगा तो भाग जाएगी अभी। 90,090। चल भाग यहाँ से, तो भी वेट कर। इनको ऐसे बातें लगा के थोड़ा रोक लेना चाहिए, भागे कि नहीं फ्री है। बता बता जल्दी बता जल्दी बता। अब तू तो पहले निकल, चल खाना बना करके जाके, साफ सफाई भी बाकी होगी। हाँ चाचा बोलो। भाई तो चला जाए यहाँ से। ए दीदी चलिए जाओ तुम भी यहाँ से, जाओ रे यहाँ से तुम। ओके गाइज, अभी ना मैंने जितनी भी गाड़ियाँ थी उन सबको धो दी है, मतलब साफ़ सफाई कर दी है। और फिलहाल ना जो हमारी दो गाड़ी थी उनको हम लोग और ऐड करने वाले हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग सेल करने वाले हैं। जैसे कि ओडी है हमारी, हमने इसको 33,000 मान लो, तो हम लोग इसको 33 की जगह हम लोग इसको ज़्यादा तो नहीं बेचेंगे, कम से कम अगर हमने 33,000 के अंदर अगर हम ओडी ली है तो 33 तो अप्रोक्स हम लोग ना इसको 70,000 तो हम लोग कर ही सकते हैं। क्या बात है, कर सकते हैं यार, इतना तो चलता है। और हम लोग जो मस्टैंग है 2015 हमने 39 में ख़रीदी थी, तो मस्टैंग में 85 के अंदर मैं इसको सेल करने वाला हूँ। भाई इसमें जितने ज़्यादा तुम प्राइस लगाओगे उतना तुम्हारा बेस्ट रहेगा, मैं तो बोलता हूँ तुम लोग भर भर के लगा दो, ठीक है। फिलहाल ठीक है, हमने ये सब कुछ कर दिया। और थोड़ा हमारा ना ऑफिस वगैरह थोड़ा एडिट करना पड़ेगा मेरे को, और मुझे लगता है कि ना मेरे को ऑफिस थोड़ा बड़ा कर लेना चाहिए, क्योंकि यार हमारा ऑफिस बहुत ज़्यादा छोटा है।